कि आपकी सलाहियत क्या है। आप 5 साल खंभों के नीचे गली के मोड़ पे घर में बैठ के सिर्फ यही कहना चाहते सकते हैं कि नेता अच्छा है बुरा, सही या गलत, काम करता नहीं करता हमें पूछता नहीं पूछता, या इस वक्त सही गलत फैसला लेते हैं। सही गलत फैसला लेने के लिए बहुत नहीं सोचना है। आपने एक शख्स को 20 साल दिया है, 20 साल, 20 साल में आपको क्या मिला है ये आपका दिल खुद ही इस वक्त तय कर लेगा। पिछले 5 सालों में, 20 सालों का छोड़ा, पिछले 5 सालों में अपनी बर्बादी याद करो। तुम्हारे ऊपर जो बीता है, आप लोगों ने जैसे अमरोह ने सहा है उसे याद करो। खुदा की कसम वोट दे छोड़ो, देखने का भी दिल नहीं चाहने का उनको। याद करो कितनी बर्बादियां हुई है हमारे साथ। कोई निकला घर में से? एनआरसी और सीए तो याद है या भूल गए? चंद दिन की बात थी, भूल गए? याद है, याद है। हमारे खिलाफ एक काला कानून बनाया था, उस कानून का विरोध हमारे लोग इसलिए कर रहे थे, वो बुर्का नशीन औरतें इसलिए कर रही थी, उन्हें फिक्र थी नई नस्ल ये बच्चे हमारे लोग कहाँ रहेंगे भाई, कैसे जिएंगे। भारत के संविधान के अंदर ये बात बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए थे कि इस संविधान के अंदर किसी जाति और धर्म के खिलाफ कोई कानून बनाया नहीं जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी एक धर्म के खिलाफ कानून बना दिया गया। बनाया गया नहीं बनाया गया? और बनाया गया तो बर्बादी किसकी थी उस कानून से? हमारी तुम्हारी? तो जो लोग हमारी बुर्का नशीन औरतें दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और बंबई तक विरोध कर रही थी, सही कर रही थी गलत कर रही थी? जो नौजवान लड़के यूनिवर्सिटियों के शहरों के उस काले कानून का विरोध कर रहे थे, सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? सही कर रहे थे भाई। अपना वजूद बचाने के लिए तो लड़नी पड़ती है, और जब लड़ाई लड़ लेते तो अमरोहा वालों को बेचारों को आया ख्याल कि यार हमारी नस्लों का क्या होगा, पूरे भारत में हम बर्बाद होने जा रहे हैं, कैसे रहेंगे भाई, कैसे पले बढ़ेंगे। हमारे नौजवान लड़के भी जोश में आ गए, उन्होंने सोचा हम भी ज्ञापन देंगे अधिकारियों को। उनके जज्बात गलत तो नहीं थे? वो बेचारे जामा मस्जिद से इकट्ठे हुए, चल दिए शहर के अंदर। उनके उस इकट्ठे होने में साजिश की गई, किसी दलाल को मुखबिर को लगवा दिया। कोर्ट के चौराहे पे पहुंचते पहुंचते किसी दलाल मुखबिर ने फोर्स पे पत्थर उछाला, हादसा हो गया उनके घर के आगे, तमाम शहर के अंदर सन्नाटा।